तो गाइस क्या हाल है, उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इंडियन मोबाइल मार्केट में 5000, 6000, 7000 में आपको बहुत बढ़िया बढ़िया फ़ोन देखने को मिल जाएगा, लेकिन एक ऐसा कंपनी है जिसका लुक और डिज़ाइन जो है ज़्यादा बेहतर लगता है देखने को, वो है इन्फिनिक्स। और इन्फिनिक्स का एक कंप्लेन आ रहा था कि वो प्रोसेसर बढ़िया नहीं देता है, तो इन्फिनिक्स एक नया मोबाइल जो है इंडिया पर लॉन्च करने जा रहा है जो कि है इन्फिनिक्स 08। और उसके बारे में वीडियो में कल चैनल पर अपलोड भी किया हूँ, अगर आप वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो चेकआउट करना। और उसके बाद और एक स्मार्टफोन जो है इन्फिनिक्स ने लॉन्च कर दिया है एंट्री लेवल में, जो है इन्फिनिक्स स्मार्ट HD। और आज इस वीडियो में इसी मोबाइल के बारे में डिटेल्स में हम लोग बात करने वाले हैं, क्या है इसका लुक और डिज़ाइन, कौन सा फीचर्स के साथ लॉन्च हुआ है, सब कुछ डिटेल्स में बात करेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखिए। उससे पहले अगर आप चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब करिए और बाजू में बेल का घंटा है उसको जरूर से दबाइए। तो गाइस इंडिया पे लॉन्च होने जा रहा है इन्फिनिक्स 08, जो कि मीडियाटेक हीलियो G90T प्रोसेसर के साथ लॉन्च हो रहा है, और 48+8 मेगापिक्सल ड्यूल सेल्फी कैमरा उस मोबाइल में दिया जा रहा है। मोबाइल काफ़ी ज़बरदस्त है, और वो तो मतलब थोड़ा सा हाई प्राइस में जाएगा, लेकिन लो प्राइस की बात करें तो सबसे लो प्राइस वाला फ़ोन मुझे लगता है ये फ़ोन होने वाला है, इन्फिनिक्स स्मार्ट HD। तो ये जो फ़ोन है आपको तीन कलर वेरिएंट में देखने को मिलेगा, पहला है ब्लू, दूसरा है ग्रीन और तीसरा है ब्लैक। और बैक पैनल जो है इस बार अलग डिज़ाइन में बनाया है, बैक पैनल में कैमरा पैनल भी आपको अलग डिज़ाइन में देखने को मिलेगा, जिसमें एक सेंसर है, LED लाइट है, और बैक साइड में ही फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है। बैक साइड में आपको स्मार्ट का लोगो भी देखने को मिल जाएगा, फ्रंट में वाटर ड्रॉप नॉच वाला डिस्प्ले दिया गया है। अब चलिए जान लेते हैं मोबाइल का फीचर्स के बारे में। सबसे पहले हम लोग डिस्प्ले से स्टार्ट करते हैं। इस मोबाइल में आपको 6.1 इंच का एक HD+TFT डिस्प्ले मिलेगा, जो कि LCD नहीं है, TFT डिस्प्ले है, और डिस्प्ले का रेजोल्यूशन जो है वो 720x1560 पिक्सल का है। लेकिन डिस्प्ले में एक अच्छी बात यह है कि 500 मतलब नीट्स का आपको ब्राइटनेस देखने को मिलेगा, मतलब आउटडोर में अगर आप डिस्प्ले को यूज करेंगे, मोबाइल को यूज करेंगे, तो मोबाइल का ब्राइटनेस में कोई भी कंप्लेन जो है आप नहीं निकाल पाएंगे, ये एक अच्छी बात है। अब बात करते हैं मोबाइल का हाईलाइट फीचर्स के बारे में। इस मोबाइल का सबसे बड़ा हाईलाइट जो फीचर्स है वो है बैटरी। इस मोबाइल में बहुत बड़ा बैटरी दिया गया है, 5000 mAh का बैटरी आपको मिलेगा, जो कि बहुत बड़ा बैटरी होता है, 2 दिन तक आप आराम से यूज कर सकते हैं। इसके अलावा भी रैम और इंटरनल स्टोरेज की बात करें तो 2 GB का रैम मिलेगा और 32 GB का इंटरनल स्टोरेज आपको इस मोबाइल में देखने को मिलेगा। LPDDR4X रैम को यूज किया गया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इसके अलावा भी बैक साइड में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिल जाएगा, जो कि नॉर्मली इस प्राइस रेंज में बहुत सारा मोबाइल में नहीं दिया जाता है, तो इस मोबाइल में आपको देखने को मिल जाता है। फेस अनलॉक का भी सपोर्ट है, और इस मोबाइल में आपको एंड्रॉयड 10 का गो एडिशन देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है। मोबाइल थोड़ा सा फास्ट चलेगा, गो एडिशन जो है वो बहुत ही क्लीन रहता है और थोड़ा सा स्मूथ काम करता है। और साथ में आपको XOS देखने को मिलेगा, जो कि इन्फिनिक्स की तरफ से दिया जाता है। इसके अलावा भी मोबाइल में आपको 3.5 mm का हेडफोन जैक देखने को मिलेगा, और साथ में आपको इस मोबाइल में माइक्रो USB का भी सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। अब अगर मोबाइल का कैमरास की बात करें तो इस मोबाइल का बैक साइड यानी रियर कैमरा जो है, इस बार कैमरा डिजाइन जो है अलग ही है। इसमें आपको सिंगल कैमरा देखने को मिलेगा, 8 MP का सिंगल कैमरा रियर के साइड में दिया गया है, साथ में ड्यूल मतलब दो LED लाइट आपको बैक साइड में मिलेगा, नॉर्मल सा कैमरा दिया गया है। फ्रंट में जो सेल्फी कैमरा है वो है 8 MP का वाटर ड्रॉप नॉच वाला सेल्फी कैमरा, लेकिन इतना सस्ता मोबाइल में भी आपको जो है सेल्फी में फ्लश देखने को मिल जाएगा, ड्यूल फ्लश जो है सेल्फी में भी दिया गया है, तो ये एक प्लस पॉइंट आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा भी DTS ऑडियो का सपोर्ट है, जो कि इन्फिनिक्स की तरफ से दिया जाता है स्पेशली, तो इस मोबाइल में भी आपको देखने को मिल जाता है। तो ये मोबाइल अभी ऑफिशियली जो है ग्लोबल साइड में लिस्टिंग किया गया है, इन्फिनिक्स का ग्लोबल साइड में लिस्टिंग किया गया है, किसी कंट्री में लॉन्च नहीं हुआ है, ग्लोबली लॉन्च हुआ है। तो फाइनली ये फ़ोन ग्लोबल साइड में लिस्टिंग हुआ है, इंडिया पर जब लॉन्च होगा तो चैनल पर और एक वीडियो जरूर आएगा, लेकिन आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताना इस मोबाइल का प्राइस कितना हो सकता है। मेरे हिसाब से 5000 के आसपास अगर इस मोबाइल का प्राइस होगा तो सही है, और इसमें प्रोसेसर जो है उतना ज़्यादा बेहतर नहीं है, मीडियाटेक का एक नॉर्मल सा प्रोसेसर दिया गया है, तो आप गेम वगैरह तो नहीं खेल सकते, नॉर्मल सा काम आप कर सकते हैं। तो ये था इन्फिनिक्स स्मार्ट HD का फुल डिटेल्स, फुल फीचर्स जो कि मैं आपको बताया। बाकी ये मोबाइल आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब करके बाजू में बेल का घंटा उसको जरूर से दबाना, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं और कोई नया इंटरेस्टिंग और फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए बाय।